हेलो डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। मेरा नाम है मुस्तफा शेख। आज मैं आपके लिए लाइव नया वीडियो, आज मैं आपको बताऊंगा डायवर्टर स्पाउट और ओवरहेड शावर के बारे में कैसे लगता है, उसका अपर पार्ट इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हाँ तो फ्रेंड्स, डायवर्टर का अपर पार्ट का प्लेट है तो इसको पहले जो ये जगवर का है, तो जगवर का पहले इसमें वाशर लगाना पड़ता है, तो मैं वाशर लगा रहा हूँ अभी। मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक गिनी से आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगता है अपर पार्ट एसेसरी फिटिंग जगवर का। ये मैं इसमें पहले वाशर लगा लेता हूँ। राउंडिंग में उसका छोटा सा ये आता है, बीट आता है, उसमें लेवल करके वाशर लगाना पड़ता है। तो वाशर लगा के थोड़ा आपका हाथ से घुमा दीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से वाशर बैठ जाना चाहिए। और देख लीजिए डायवर्टर का हैंडल है, लेफ्ट और राइट साइड में हैंडल करने के मतलब घुमाने के लिए इसमें LNG दिया है। इसके अंदर एक प्लास्टिक आता है और उसमें LNG आता है। देख लीजिए LNG इससे खुलता है। अब मैं स्पॉट खोलने जा रहा हूँ। स्पॉट का पैकेट है जगवर का, इसमें क्या दिया है स्पॉट के अंदर, उसमें चलिए देख लेता हूँ। उसमें प्लांच और ये सब दिया है कि नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले इसको खोल लेता हूँ। तो ये प्लांच है, राउंडिंग प्लांच है, और ये स्पॉट नॉट एडजस्ट करने के लिए, इसमें टेंशन निपन कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट दिया जगवर वाले ने। और ये स्पॉट दूसरा पैकेट में ओवरहेड शावर खोलने जा रहा हूँ। ओवरहेड शावर के अंदर क्या क्या दी गई है, आर्म पाइप है, शावर आर्म पाइप ओवरहेड शावर के लिए, और ये ओवरहेड शावर है। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब मैं ये अब इसका आपको प्लास्टिक कवर खोलने जा रहा हूँ, जिसके पीछे से आप खोल लीजिए थोड़ा टान के खींच के। और अगर आपका बॉडी थोड़ा रूज है, इसका बॉडी तो आता है अंदर जगवर वाला सेट कर देता है, बॉडी आपको खोलने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि प्लास्टिक कवर रहता है। बॉडी को थोड़ा पहले अगर लूज है तो टाइट कर लीजिए, थ्रेडिंग सिस्टम रहता है, इसको करना नहीं है कुछ, आपको थोड़ा पोंछ के इसको पुश करना पड़ता है। मैं पुश कर देता हूँ, देख लीजिए आसानी से। अब थोड़ा लिक्विड भी घस के या तेल घस के पुश कर सकते हो अगर आपका राफ हो जाता है साफ करके, क्योंकि वाशर बाहर निकलना नहीं चाहिए, वाशर जो है पूरा लेवल में बैठना चाहिए। अब मैं हैंडल लगाता हूँ। ये हैंडल को पहले आप LNG से खोल लीजिए, ये LNG जो होता है टाइट कर आता है और उसको ढेलना पड़ता है। लेकिन मेरा LNG खुला नहीं है बराबर से, तो ठोकने से नहीं जा रहा है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ, पूरा ढीला कर लेता हूँ, क्योंकि LNG अगर लगा रहेगा तो आपको ठोकने से नहीं जाएगा और खराब भी हो सकता है। तो LNG को पहले खोल लेना है, बाहर कर लेना है। मैं खोल रहा हूँ और इसको पुश कर देना है, और पुश करके एक बार टाइट करके खींच के देख लीजिए कि आपका बैठा कि नहीं। लेकिन ये मेरा ये टाइट कर रहा हूँ, तो मैं अभी खींच के दिखाऊंगा आपको। मेरा निकल के आ रहा है क्योंकि बैठा नहीं है, तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ और अच्छे तरीके से ठोक के उसको आप एक बार थोड़ा सा हाथ से हल्का से टांग के देख लीजिए कि बैठा कि नहीं बराबर। तो वही बैठ गए आप, और इसका जो प्लास्टिक का मोम आता है होल कवर करने के लिए LNG का लगा दिया, और शावर बटन है, शावर थ्रेडिंग सिस्टम है, शावर को खोला होता है इसमें से टांगने से टांग के। तो मैं बताऊंगा पानी चल बोले कैसे इसको यूज करते हैं। और स्पॉट के लिए लॉन्ग बूज जो लगा है, मैं लॉन्ग बूज खोल लिया, देख लीजिए वो होल है अंदर, कितना बड़ा होल है। टाइल्स में जब गैप रहता है, अब उसको वाटा बनाना जरूरी होता है। अगर आप वाटा नहीं बनाते हो तो पानी वहां से अंदर जाके आपका लीकेज हो सकता है, तो कोई भी प्लम्बर इतना आसानी से पकड़ नहीं सकता कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो वाटा ध्यान में रखिए, वाटा बना लीजिए, जरूर बनाइए इसमें। और ध्यान रखिए जब वाटा बनाइएगा तो थ्रेड के अंदर जरा से भी सीमेंट नहीं जाना चाहिए, अगर सीमेंट जाएगा तो आपका थ्रेड को खराब कर सकता है। तो ये देख लीजिए, मैं स्पॉट में पहले स्पॉट को ऐसा सैंपल लगा रहा हूँ, नट लगा के, क्योंकि अगर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा काटना पड़ता है तो काट लूंगा मैं। देखिए इसको मेरा नहीं बैठ रहा है क्योंकि लंबा है थोड़ा, तो मैं इसको काट लेता हूँ, दो या तीन सेट इसको काटना पड़ेगा, तो मैं इसको काट रहा हूँ।
अरे मैं हरे पेड़ से काटा क्योंकि हरे हैंडल नहीं था, आप हैंडल से काट सकते हो 100 पेड़ लगा के। मैं पहले उसके बाद में इसको टेबल टेप जड़ देता हूँ। राइट साइड में टेबल टेप को घुमाना पड़ता है, थोड़ा टाइट हैंड से घुमाएगा आप लोग। मैं घुमा रहा हूँ, अब 10 से 15 बार इसको घुमाइए। ये पहले स्पॉट में और उसके बाद इसमें फ्लांज लगाऊंगा, उसके बाद मैं टाइट कर दूंगा। ये पहले इसमें स्पॉट में थोड़ा टाइट कर दिया और इसमें फ्लांज पहले लगा देता हूँ, इसके बाद मैं टेबल टेप लगा रहा हूँ। 10 से 15 बार इसको घुमा लीजिए राइट साइड में। बहुत सारे भाई उल्टा भी घुमा लेते हैं, उल्टा घुमा से क्या होता है आपका टेबल टेप जब टाइट होता है राइट साइड में क्योंकि होता है कि तो खुल जाता है। अगर आप लेफ्ट में घुमा लेते हो बाय चांस गलती से भी तो उसमें से पानी वापस आ जाएगा, लीकेज हो जाएगा। हल्का से मत घुमाइए, थोड़ा टान के खींच लीजिए और उसको हाथ से थोड़ा राउंड कर दीजिए। ये मैं लगा देता हूँ। इसमें पाना का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, आप हाथ से आसानी से टाइट कर सकते हो कोई भी ऐसा फिटिंग हो। जब आप पाना यूज कर सकते हो उसमें दाग पड़ सकता है, स्क्रैच हो सकता है, आप हाथ से आसानी से टाइट कर सकते हैं। मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, टाइट करके सीधा कर लेता हूँ। मैंने टाइट करके स्ट्रेट कर लिया और ये मेरा स्पाउट लग गया। और जगुआर का जो लीक है जगुआर इसको आपको ऊपर रहना चाहिए। और ओवर हेड शावर के लिए मैं लॉन्गोज खोल रहा हूँ। कुकर से मैं इसको खोल लेता हूँ और इसमें भी मैं वाटर बनाऊंगा क्योंकि इसमें वाटर बनाना इतना जरूरी नहीं होता, फिर मैं बना लेता हूँ। शावर में और स्पॉट में भी वाटर बना लीजिए हो सके तो। बाई चांस जरा सा भी पानी आएगा तो टैंक के अंदर नहीं जाएगा, आपको बाहर आ जाएगा तो पता चल जाएगा जो मेरा पानी बाहर आ रहा है इसका मतलब लीकेज है, तो आप उसको खोल के दोबारा लगा सकते हो। इसको मैं राउंडिंग कर दूंगा, उसके बाद मैं सावर आर पाइप लगाऊंगा। मैं थोड़ा राउंडिंग कर रहा हूँ इसको, ये ओवर आर्म सावर का जो आर्म पाइप होता है उसमें पहले प्लांट लगा रहा हूँ। और ऐसे पहले सैंपल करके देख लीजिए आप लोग फ्रेंड्स, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इसमें हालांकि मेरा इसमें एक्सटेंशन निपल लग रहा है तो मैं निपल लगा दिया 1 इंच का क्योंकि छोटा पड़ रहा था मेरा। और इसमें टेबल टेप लगा के टाइट कर दूंगा इसको, तो मैं टाइट कर देता हूँ। टाइट कर लिया, अब इसको मैं हाथ से टाइट कर दूंगा। पहले सावर आर्म पाइप में, उसके बाद में एक्शन से निपल में लगा रहा हूँ मैं। देख लीजिए मेरा लग गया और इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। राइट साइड में घुमा के बैलेंस में थोड़ा टाइट करना पड़ता है, तो मैं टाइट कर लेता हूँ इसको और इसको सीधा कर लूंगा मैं। लीजिए मैं कोई भी इसमें पाना नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हाथ से आसानी से टाइट हो जाता है, पाना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पाना लगाते हो थोड़ा सा भी पाना पकड़ लेगा तो आपको स्पीड बढ़ सकता है इसमें। थ्रेडिंग सिस्टम प्लांच है, मैं प्लांच को टाइट कर दिया। और ये ओवर शावर का जाली है, इसको जरूर लगाइए क्योंकि इसको आप अगर नहीं लगाइएगा तो इसमें कचरा आएगा तो डायरेक्ट आपका अंदर जाएगा तो आपका पूरा शावर डैमेज खराब हो सकता है। उसके बाद मैं वाशर लगा लेता हूँ और इसको टाइट कर देता हूँ। मैं टाइट कर लिया, टाइट कर रहा हूँ इसको, आप हाथ से टाइट कर सकते हैं, मैं हाथ से टाइट कर लूंगा इसको, कोई पाना जरूरत नहीं है इसमें। मैं पानी अब इसमें तीनों लग गए मेरा, तो इसको मैं खोल लेता हूँ और पानी चालू करके भी आपको बताऊंगा तो कैसे फॉलो होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। मैं इसको पोंछ लिया, अब मैं इसको पानी चलाऊंगा। देखिए राइट साइड में घुमाएगा तो आपको ठंडा पानी आएगा, नीचे से आप टर्न के राइट साइड में घुमा लीजिए तो ठंडा पानी आएगा। देखिए पानी चालू नहीं था तो मैं चालू कर दिया, देख लीजिए इस ठंडा पानी आ रहा है मेरा। और बीच में मिक्स पानी आएगा, हॉट एंड कोल्ड मिक्स, और लेफ्ट साइड में हॉट वाटर।
हॉल वोटर लगा के चालू नहीं है इसलिए पानी नहीं आ रहा है, तो इसका जो फॉलो करने का तरीका है वो जो है और कुछ नहीं, और इसको हैंडल को चालू कर दीजिए और बटन को प्रेस कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए तो यहाँ सारा पानी आ रहा है देख लीजिए मेरा। शावर को आप रिमूव कर सकते हो ऊपर नीचे थोड़ा हाथ से घुमा सकते हो आप शावर को। तो ये वीडियो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डायवर्टर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं पाइपलाइन के बाद प्लम्बिंग के बारे में तो उसको अगर वो वीडियो को आपको देखना है तो वीडियो के राइट साइड में एक वीडियो आएगा उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये पार्ट टू है, पार्ट वन है, आप पार्ट वन से भी सीख के देख सकते हो। मैं पूरा डायवर्टर लगा के बताया हूँ कैसे डायवर्टर फिटिंग करते हैं और इसका ये अपर पार्ट लगा के पूरा बता दिया आपको ऑल कम्प्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।